Eight, eight, eight rounds in the forty-five it go down Eight rounds in the forty-five yeah. it go down Eight rounds in the forty-five it yeah. yeah. go down Eight rounds in the forty five go down I was passing aggression Passive aggressiveness I left him hanging like loose ties as loose ties Either not he begging to go or not Depends on the situation He going up like inflation For all the haters that said that he couldn't make it My brother drowned in the lake क्या भाई लोग के तो रन से भाइयों को मेरी ओर से तो आज मैं आपके लिए लेके आ, ले आ चुका हूँ एनएस दो सो और भाई जो वाइट एंड रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना भाई माँ कैसे हम एकदम कातिराना लगता है एकदम सेक्सी लुक लगता है इसका कोई बंदा दूर से देख के पहचान आया कि भाई हाँ ये भाई आर ये एन एस दो बजाज की तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज हम लोग इसकी राइड राइड रिव्यू नहीं बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली राइड रिव्यू करने वाला था बट सीन क्या हो गया कि मैं हेलमेट लाना भूल गया हूँ तो राइड रिव्यू हो नहीं पाएगा बिकॉज मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा आपसे बातें नहीं कर पाऊंगा तो क्या मतलब है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा जब मैं इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करूंगा सो so, उससे पहले मैं आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या खासियत है इसके अंदर हम लोग को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए बिकॉज दो लाख के अंदर हम लोग को ये वॉर्थिंग बाइक है कि नहीं है बट तो उससे पहले मैं बता दूँ कि ये ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आया है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा बिकॉज सीन क्या होता ना कि मैं जॉब के चक्कर में ब्लॉग बना नहीं पाता हूँ तो मैंने सोचा कि यार चालू करते हैं तो हमारे पास आ गई थी ये गाड़ी तो बस इसी गाड़ी से स्टार्ट करते हैं और ये मैंने प्रोवाइकर्स के ग्लव्स मंगाए हैं आ, अभी तो आज मेरा फर्स्ट डे इसको यूज़ करने का बिकॉज मैं यूज़ कर नहीं पाया और ये काफ़ी कम्फर्टेबल है यार मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल मेरे को तो काफ़ी कम्फर्टेबल लगे पर्सनली और अच्छी क्वालिटी भी इसकी उससे पहले हम लोग बढ़ते हैं इसके फीचर्स की द, एक मतलब दो लाख के अंदर अंडर टू लैक्स कंपनी क्या क्या देती है हमको तो बढ़ते हैं इसके राइट सॉरी राइट रिव्यू क्यों आ रहा है भाई बार बार ये भी गाड़ी चाहती है मैं भगवान भी चाहता है कि मैं राइड्राइवी करके दिखाऊँ पर नहीं दिखा सकता यार बिकॉज मैं आज हेलमेट लाना भूल गया हूँ तो बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इस गाड़ी के साथ में इंजन आता है वो आता है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करता है आप सिटी में राइड कर रहे हो या टूर टूर के लिए यूज़ कर रहे हो बिकॉज रश ड्राइव कर रहे हो आप कहीं पर भी इसको चला लो कैसे भी चला लो भाई ये हर जगह के लिए बनी आप इससे ऑफ रोड भी कर सकते हो तगड़ा वाला नहीं कर सकते हो जैसे हिमालयन और एक्सपल्स पर कर सकते हो बट हाँ ठीक ठाक इस पर ऑफ रोड कर सकते हो आप और इसके अंदर जो एयर को लिक्विड कूल मिलता है सॉरी बोल रहा हूँ एयर कूल लिक्विड जो मिलता है लिक्विड कूल उसके अंदर यहाँ पे दिखाता है यहाँ पे होता है मैक्सिमम और यहाँ पे होता है मिनिमम मतलब इसके बीच में सेंटर में होना चाहिए या फिर मैक्सिमम में या तो मिनिमम में मिनिमम में नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये सर्विस मांग रही है दस दिन हो चुका है इस गाड़ी को लिए हुए तो इसके अंदर आता है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है सो so, ये गाड़ी 24.13 फोर का पावर जनरेट कर देती है 9,750 आरपीएम पे और इसी के साथ साथ 18 एनएम एम टॉर्क हाँ तो 18 एनएम एम टॉर्क भी जनरेट कर देती है समथिंग 4,000-5,000 के आरपीएम पे, पे वो उतना आई गेस आइडिया नहीं है मेरे को बट अच्छी खासी पावर जनरेट करती है बिकॉज अगर आप ये सिटी में चला रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा फ़न आने वाला है क्योंकि इसका थाटल रिस्पॉन्स होगा ना भाई एक नंबर आएगा तो उसमें आपको कहीं भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी कि वन लाख एटी टू वन लाख जो भी है अभी तो समथिंग वन लाख एटी टू की पड़ रही है सूरत सचिन मतलब गुजरात में तो वन लाख एटी टू थाउजेंड आपको देना कोई वर्थ है या नहीं है आगे चल के वीडियो में जानेंगे कि हमको एक लाख इक्यासी हज़ार बयासी हज़ार क्यों देने चाहिए देने चाहिए नहीं देने चाहिए तो ये दोनों कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूंगा तो आपको इस गाड़ी में सिक्स गियर मिल जाते हैं ऊपर से थर्टी सिक्स केम्पीएच केम्पियल का, का माइलेज मिल जाता है इसके अंदर जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी अगर ये अगर आपके मतलब कि अगर आप इसको डेली कम्यूनिटी के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है बिकॉज इसका थर्टी सिक्स का जो माइलेज है ना भाई परफॉर्मिंग पर्फॉर्म, मतलब परफॉर्म के साथ में ये इतना अच्छा माइलेज भी दे रही है हाँ मानता हूँ थर्टी सिक्स ज़्यादा नहीं है बहुत लोग के लिए बहुत कम है बहुत लोग के लिए बहुत ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना बिकॉज मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि वो आप कैसे एडजस्ट करते हो पहले बात कर लें इसके सीटिंग पोस्चर की तो मैं मैंने फ़िलहाल अभी यहाँ से लगभग दस से पंद्रह किलोमीटर चला लिया होगा गाड़ी काफ़ी मतलब रस भी चलाई है नॉर्मल भी चलाई है ईज़िली चलाई है मतलब कि ऐसा नहीं है कि यार अगर आप इसको टूर पे लेके जाओगे तो आपके शोल्डर में या फिर चे मतलब कमर में पेन होगा ठीक है भाई हर गाड़ी में होता है थोड़ा बहुत तो होता है तो थोड़ा बहुत मिनिमम मिलेगा आपको बाकी गाड़ी कंफर्टेबल बहुत है भाई जो जिन्होंने एनएस चला रखी है जिनके पास एनएस है या जिन जो इन्होंने एन लेने की सोच रहे हैं उनको पता है भाई कि ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है जो कि अभी स्टॉक मिरर लगा हुआ है इसके अंदर अभी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करनी बाकी है इस गाड़ी में स्टॉक मिररर लगा हुआ है और यहाँ पर हमको किल स्विच मिल जाता है ये एग्निशन स्टार्ट का वो मिल जाता है स्विच और यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है एक सेकेंड मीटर कंसोल मिल जाता है बहुत ही सेक्सी सा हाँ एक बात है कि इसके जो तो मीटर कंसोल है ना उतने ज़्यादा मतलब फैंसी है नहीं उतने ज़्यादा है नहीं मतलब एनालॉग भी है और डिजिटल भी है दोनों मतलब दीजिए कंपनी ने तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर मतलब अपडेट नहीं किया यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिल गया हमको गियर का वो मिल गया है देन यहाँ पे टाइमिंग का दिखा देता है आपको यहाँ पे रियल टाइम माइलेज दिखा देता है ओडोमीटर दिखा देता है और यहाँ पे कितना किलोमीटर चल चुकी है तो टोटल अठारह पाँच सौ अठारह किलोमीटर चल चुकी है दस दिन के अंदर और यहाँ पे ए का साइन आ गया यहाँ पर जो तो बैटरी का होता है इंजन चेकलाइट ये गेयर का बजाज का लोगो वगैरह वगैरह यहाँ पे पासिंग का लाइट मिल जाता है आपको तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मतलब कि जो भी खासकर जैसे आर फाइव हो गई और भी सारी बाइकें हैं जो स्पोर्ट बाइकें हैं उसमें सब में जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें इसके अंदर नहीं है हाँ मानता हूँ वो चीज़ की कमी है बट हमारे बजाज लवर जो पल्सर लवर हैं वो इस गाड़ी को ऐसे ही देखना चाहते हैं भाई इसमें कुछ नहीं चेंज करना चाहते वो ऐसे ही देखना चाहते हैं इस गाड़ी को और इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी आता है वो खासकर मेरे को उतना पसंद है नहीं इतना ये पसंद आता है और बात करूँ तो एक और चीज अपडेट किया है बजाज कंपनी ने जो कर दिया, यू। <laughs> तो आठ सौ पांच एम की सीट आई हाँ आती है इसकी जो कि ठीक है और बात कर ली जाए इसकी सीट कुशनिंग की तो सीट कुशनिंग भी इसकी काफी अच्छी है मैंने दस से पंद्रह किलोमीटर चला चला के देखा भी है इसको सही है भाई तुम्हारा भी तो हम लोग कहाँ थे है? हाँ मैंने 10 से 15 किलोमीटर चला के देखा भी इसको तो काफ़ी अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स रहा है इसका कोई ऐसा है नहीं कि मतलब मेरे बम में दर्द हो दर्द हो रहा था राइडर की सीट सीटाइट सीड़ सीट भी अच्छी है देन पिलियन की भी सीट थोड़ी सी मतलब कुछ नहीं इसकी हार्ड है इसमें ग्रिपल बार्स दिए मतलब पकड़ने के लिए दे रखा है कि मतलब अगर जो पीछे बंदा बैठता है उसको कम्फर्टेबल नहीं होता तो पकड़ सकता है वो और ये हो गई हमारी बैक लाइट मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक सेकेंड ये हो गई हमारी बैक लाइट ये मात्र एक ऐसी कंपनी है एन एस बजाज बजाज की जो मात्र एक ऐसी कंपनी है एन एस एस गाड़ी है जिसके अंदर आपको टेल लाइट अलग से लगवाने नहीं पड़ती है काफ़ी सुंदर टेल लाइट आती है पीछे जो कि बहुत लोग को पसंद भी है बहुत लोग को नहीं पसंद है बहुत लोग निकलवा देते हैं और इसका ये हगर गार्ड काफ़ी अच्छा है ताकि अंदर मतलब कुछ मिट्टी वगैरह ना जाए अगर ये नहीं होता अगर आपका ये होता और ये नहीं होता तो बहुत दिक्कतें आ सकती थी आपको अगर ये नहीं होता तो तो उसमें कोई इशू है नहीं आपका रेयर का ऑयल जो भी होता है ऑयल का वो सो वग़ैरह और इसके अंदर अंडर वैली एग्जॉस मिल जाता है आपके अंदर आपको जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है इसका मैं एग्जॉस नोट सुनाता हूँ आपको एक मिनट एक सेकेंड गाड़ी गेयर पे है तो हाँ ना सो so, भाई मेरे तो कान फट गए काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक है काफ़ी अच्छा स्पोर्टी इस इसका साउंड है आपको एक लाख कैशेजर बैसर में अच्छा खासा साउंड मिल जाएगा इसके अंदर तो आपको उसके लिए कोई इशू होने वाला नहीं है दोनों जो मतलब कि अलॉय हैं वो अलॉय व्हील्स ही हैं आपको इसके अंदर फ्रंट मिल जाता है हाईलोजन जो कि थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा दिक्कत देता है हाइलोजन बिकॉज अभी सारी गाड़ियों में आ रहा है एल आ रहा है सेटअप आ रहा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है यार कि चलो कोई बात नहीं आपको परफॉर्म परफॉर्मेंस मिल रही है आपको लाइटिंग से क्या ही करना है और ये मिल जाते हैं इसके बार्स एंड मिरर्स तो ये भी अच्छे अच्छे ठीक ठाक ही है मतलब मैं उतना नहीं बोलूँगा ओके okay, ओके okay, हैं उतना नहीं बोलूँगा इसमें आपको ठीक है भाई दो सौ में और क्या चाहिए आपको इतने कम बजट में तो बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स के तो ब्रेक्स इससे काफ़ी अच्छे हैं डुबल चलने भी इसके साथ में आती है डुबल डिस्क आती है जो फ्रंट वाला इसका ब्रेक का डिस्क डिस्पैक डिस्क ब्रेक है आपका ये मिलेगा आपको तीन सौ एम का और जो इसका रियर वाला है वो मिलता है आपको दो सौ तीस एम का पीछे का आई थिंक बाइबरी का आता है मालूम नहीं कौन सा पीछे का बट जो फ्रंट का आता है प्रेमिका के आपको ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं अभी मैं आ रहा था अराउंड मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी एट्टीन टू नाइनटी के आसपास रही होगी और मेरे को सडनली ब्रेकिंग करनी पड़ी और मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं एहसास हुआ कि गाड़ी रुक नहीं रही या फिर गाड़ी में झटके आ रहे हैं या गाड़ी डरा रही है मेरे को ब्रेक के लेकर ब्रेक को लेकर के ऐसा कोई भी सीन नहीं था और जो भी था अच्छा था मतलब रुक गई गाड़ी मेरे और इसके अंदर मिल जाते हैं हमको यू एच डी फॉक्स जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर बट वही है ना कि कंपनी ने कॉस्ट कटिंग किया है थोड़ा सा बिकॉज़ आपको एक लाख इक्यासी हज़ार बयासी हज़ार में अगर ये दे रही है मैं साथ तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ और कम की है वन सेवेंटी एट वन सेवेंटी के ऐसे कुछ किया है अराउंड ये तो अगर कंपनी आपको इतने दाम में इतने प्राइस में ये सब चीज़ें दे रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कॉस्ट कटिंग करेगी बिकॉज इंडियन कंपनी है बजाज है भाई साहब तो हॉन के गए तो पर इसके अंदर जो दिया हुआ है ना हम लोग को यूच डी फॉक्स और अगर आप दूसरी बाइक में देखते हो आर फाइव में देख लो एम में देख लो डेउक में देख लो तो उसके अंदर काफ़ी मतलब कि बेहतरीन लगता है उसके अंदर काफ़ी ब्रॉड लगता है और इसके अंदर काफ़ी पतला सा दे दिया मतलब कैसा लगता है हाँ टेलीस्कॉपी की पहले वाली टेलीस्कॉपी की है तो कोई बात नहीं ये भी अच्छा परफॉर्म करता है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको चलाने में हाँ अगर आप थोड़ा सा एक पिलियन को लेते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है अभी तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है 168 के अराउंड है तो अगर आप विद पिलियन चलते हो तो आपको थोड़ी थोड़ा सा इशू हो सकता है बिकॉज डिवाइडर पर टकरा सकती है बिकॉज पता ही आपको इंडियन में इंडिया में कैसे डिवाइडर्स होते हैं और तो उसके अंदर टकराएगी आपको तो उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा थोड़ा सा इशू हो सकता है टकरा सकती है गाड़ी और टकराता उसका ये पार्ट है पीछे का पार्ट टकराता है तो वहाँ पे ना मतलब कौन मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है राइडर को और इसके अंदर आपको मिल जाएगा हंड्रेड सेक्शन का फ्रंट टायर और पीछे का जो टायर है वो आपको मिलता है वन सेक्शन का तो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर देता है अगर ये बेटर हो सकता था अगर ये फ्रंट का फ्रंट का होता वन टेन का या फिर वन ट्वेंटी का होता वन टेन का भी काफ़ी अच्छा था और रेयर का होता है वन फिफ्टी अराउंड तो काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस देता राइडर को कि लीन वगैरह करने टाइम मतलब कोई इशू नहीं होता अभी भी नहीं होता है बट थोड़ा सा और मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता तो वो चीज़ें कंपनी थोड़ा अच्छा कर देती तो हो सकता था और ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं इसके अंदर जो कि काफ़ी अच्छे हैं अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो इस पर तो आपको रिस्ट पे चेस्ट पे मतलब रिस्ट पे हो गया शोल्डर पे हो गया इससे पेन महसूस नहीं होने वाला है हाँ एक दो दिन होगा बिकॉज क्या नई गाड़ी रहेगी आपको अगर आपने फर्स्ट टाइम लिया हो गाड़ी को तो एक दो दिन हो सकता है कि आपको थोड़ा इशू हो बट उसके बाद तो कोई इशू होगा नहीं इसके अंदर ये हमको मिल जाते हैं रेयर्स के फुट पैक्स काफ़ी अच्छे मतलब क्वालिटी के हैं ये फ्रंट के मिल जाते हैं ये हमको गेयर का मिल जाता है साइड स्टैंड मेन स्टैंड इसके अंदर मेन स्टैंड भी आता है मतलब अभी जो भी बाइकें आ रही है स्पोर्ट बाइक आ रही है न मतलब की नेकेड बाइक आ रही है स्पोर्ट बाइक आ रही है फेयरिंग वाली किसी भी मतलब कि ऐसा आ, क्या बोलते हैं मेन स्टैंड मिल नहीं रहा है लेकिन इसके अंदर कंपनी दे रही है तो अच्छी बात है यार ओवरऑल तो सारी बातें बताई दी है मैंने इसमें आपको कोई चीज़ छूट नहीं रही है इसके अंदर हाँ ये जो मड है आपका ये मेरे को मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगा यार कि देखो देख रहे हो मतलब इतना लूज़ दे दिया है वो इसका फीचर है या फिर उसकी मतलब कॉस्ट कटिंग करी गई है उतना आइडिया है नहीं हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग ना की गई हो इसके लिए ऐसा किया गया हो कि बाई चांस जो राइडर गिरते हैं तो ये ज़्यादातर उनका यही टूटता है तो हो सकता है कंपनी ने ऐसे ये सोच के बना दिया उसको इतना लूज़ कि बाई चांस गिरे तो ये मुड़ जाए टूटे नहीं तो हो सकता है ये भी तो मेरे को लगता नहीं है कि आप कुछ चीज़ें छूट रही हैं हाँ मेन चीज़ जिसके लिए मेरे को एन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है अगर आप राइड में इस गाड़ी को रात में इस गाड़ी को राइड कर रहे हो तो इसके अंदर ये जो मतलब स्विच में लाइट जलती है भाई ये ऐसी बजाज देती है बजाज की पल्सर एन एस और पल्सर आर एस में एक दो ही में आता है शायद बजाज की सारी गाड़ियों में आता है शायद हाँ सारी गाड़ियों में आता है तो पर्सनली मेरे को ये मेरा फेवरेट है मतलब मेरे को बहुत पसंद है यार जब आप ये राइड में चलाते हो तो इतना प्यारा दिखता है माँ कसम इतना प्यारा दिखता है यार ये कि मतलब मज़ा आता है मज़ा सा एकदम और जब ये इसका राइडिंग पोस्चर देखो भाई जब इस पर बंदा जो बैठना बैठता है ना उतना एग्रेसिव भी नहीं है और उतना मतलब कि नॉर्मल भी नहीं है आपको कुछ स्पोर्टी वाला फील आएगा अगर आप भगाना चाहो तो भगा भी सकते हो क्रूज़ करना चाहो तो क्रूज भी कर सकते हो इजीली एटी टू एटी एटी टू नाइनटी क्रूज हो जाती है कोई वादा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं आई आपको सो ओवरऑल पूरी गाड़ी का रिव्यू आपने देख ही लिया है अगर कुछ चीज़ें छूट रही हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बहुत जल्दी इसका आने वाला है राइट रिव्यू इसका वन लीटर माइलेज टेस्ट बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ इस गाड़ी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आगे वीडियो में बात कर लेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं मेरे को जॉब पर भी निकलना है तो मिलते हैं फटाफट से ऐसी किसी न्यू वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक कर दो तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो बिकॉज इक्कीस साल का लड़का ब्लॉगिंग कर रहा है राइडिंग कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है सपोर्ट करना मजाक था इस दिल पे मत लेना सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो में सो तब तक के लिए मुझे याद रखना भूलना मत तब तक के लिए बाय बाय लव यू टिकल टाटा बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर बहुत बहुत धन्यवाद